आठ बात सोच रही थी कि किस तरह से उनको बोला गया है कि आप ये नहीं पहनो और तीन दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और साथ में एक खबर मैंने पढ़ी कि राजनीतिक पार्टियां भी इसमें भाग ले रही हैं। कोई इसके अगेंस्ट है, कोई इसे फेवर है। अब क्या हो रहा है, धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है। इसे कहते हैं धर्म की आड़ लेकर राजनीति का। ये लाइव एग्जांपल जो आजकल चल रहे धर्म की आड़ में लोग क्या करते हैं, किसी के लिए वो बात ठीक है, किसी के लिए वो बात गलत है। हम यही कर रहे थे कि हर व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार हो तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि तुम उस धर्म को तुम ये करो या तुम ये नंबर वो अगर उनकी मानता है तो फिर तो उनको डाल देना चाहिए। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये पॉलिटिकल बात कर रहा है, तुम धर्म की बात कर रहे हो, ठीक है ना? कंप्लीटली भी एवरीवन इज इक्वल फॉर लॉ तो नहीं। ओके, लाइक एग्जांपल हमारी क्लास में धर्म की आड़, एक ने राजनीतिक बात की, दूसरे ने धर्म की बात की, तीसरा बीच में टूट पड़ा। क्या मामला है, एग्जैक्टली क्या मामला है किसी को नहीं पता। नाम मारो उससे को लेना देना है, नाम मारो उससे को लेना देना है ना, हमें असल मामला पता है। पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू कब झगड़े का रूप ले ले तुम्हें नहीं पता। यही हम आगे बढ़ते, हमें पता कुछ नहीं है लेकिन हम पार्टिसिपेशन पूरी दे रहे हैं क्योंकि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है ना, अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार, और वो राइट में वही है, ठीक है। और वो राइट टू स्पीक तुम्हारा कब घर के आड़ में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हमें बेसिक रीजन तो कुछ भी नहीं पता। एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा, पांचवा बोलेगा, अल्टीमेटली विचारों में मतभेद होगा और धर्म के नाम पर गलती हो जाएगी, ठीक है। यही हम पढ़ रहे, धर्म क्या होना चाहिए, ईश्वर से आत्मा का नियम। कल हमने ये पढ़ा, शुद्ध आचरण की ओर जाना, ईश्वर से आत्मा का मिलाप, ये कर्म होना चाहिए, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे थे कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ स्वतंत्रता के समय हमने एक कदम पीछे रखा, क्यों एक कदम पीछे रखा, क्योंकि लेखक ने कहा कि सबसे बुरा दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत मुल्ला मानव सपा चलने को स्थान दिया जाना अपेक्षित हो जाता। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे रखकर अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारे घर उखाड़ने और देश में दूसरी भागफल प्रफल और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है। धर्म के नाम पर देश के टुकड़े हो गए और आज उसी के कारण हम बदल रहे हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते, सर्वत्र वे एक पग भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं था, एक कदम भी धर्म के बिना नहीं चलते, परंतु उनकी बात ले उठने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह बलिमान समझ ले कि वह आत्मा
क्या स्वरूप मानते हैं। अगर हम कहते हैं कि तो घर के बिना चलते नहीं थे, धर्मी होते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि उनके लिए धर्म क्या है, धर्म का क्या मतलब है उनके अकॉर्डिंग। धर्म से महात्मा जी का मतलब अंडरलाइन, धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनके मानने में किसी अकार को उनके अनुसार धर्म का मतलब है ऊंचे और उदार तत्व, उच्च विचार, शुद्ध विचार, सच्चे विचार, ठीक है। अजा मैंने शंख बजाने, नाच गाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म के रूप में, शुद्ध आचरण और सदाचार भी धर्म के स्पष्ट धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है, शुद्ध आचरण और सदाचार। तत्व प्लस आचार अच्छा भी है, शुद्ध आचरण धर्म के शुद्ध आचरण जो आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, सदाचार आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो, राइट। दो घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंच वक्ता नमाज लगा दीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के बाद यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की आदत समझते हैं तो इस धर्म को आगे आने वाला समय कदापि नहीं। आप मंदिर गुरुद्वारे के अंदर भगवान को करें, भगवान जी का सार लेकर दूर करो, मैं प्रसाद चला हूँ मंदिर गुरुद्वारे से बाहर निकलने को और उसी को तुम दिखा दे, उसी का तुम बुरा कर रहे हो, बुरा सोच को, ये धन नहीं है, ये पूजा पाठ नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना आचरण छोड़ रखो, तुम सदाचारी रहो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। भगवान को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, भगवान के सामने आप श्रद्धा से कुछ समय बैठे हो बिना अपनी मनोकामनाएं लिए, उनके प्रति नतमस्तक हो, उनका शुक्रिया अदा करें, सब कुछ। आप भगवान को नहीं भी मानते, आप मंदिर गुरुद्वारा नहीं भी जाते, आपका आचरण शुद्ध है, आप सदाचारी तो बहुत अच्छे व्यक्ति। एक व्यक्ति जो बहुत पूजा का पाठ करता है, बहुत भगवान का नाम लेता है, बहुत ज्यादा शुद्ध आचरण वाला नहीं है, मन में खोट है, वैसे वो बहुत आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है पर मन में खोट है, उससे आस्तिक होने का कोई फायदा नहीं। एक व्यक्ति जो नास्तिक है भगवान को नहीं मानता लेकिन मन बहुत साफ सदाचारी है शुभ आचरण वाला है, वो उससे जाना नतमस्तक होना, नतमस्तक होना, माथा टेकना, ईश्वर के आगे नतमस्तक होना, मस्तक माथे को बोलते ना, तो मतलब ईश्वर नहीं ना हो और लाख में दुख हो, ये भी कौन सी बात, क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इट क्लियर, ओके जा रहे हैं, चलो अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी धर्म साहत की कसौटी केवल आपका आचरण, आपका पूजा पाठ नहीं करेगा, आपका आचरण,
आपका बिहेवियर कैसा है ये देखता रहता है, आप कितना पूजा पाठ करते हैं ये कोई नहीं देखता, आपका बिहेवियर देखता है। जरूरी नहीं है बहुत पूजा पाठ करता हो बहुत अच्छा देखता हो। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में पाठ्यक्रम चीजों को पाने के आधार ना छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप रोजे रख ले, नमाज पढ़ ले, पूजा पाठ कर ले, भगवान का नाम ले ले, मंत्रोच्चारण कर ले, भवन यज्ञ कर ले और दूसरों को उत्पात करते रहे, दूसरों को परेशानी में डालते रहे, तो ये नहीं होगा, आपको कोई भी ऐसा नहीं करेगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब और नास्तिक, नास्तिक होता ला मजहब जो मजहब को नहीं मानता, नास्तिक ईश्वर को ना मानने वाला, ला मजहब भी वही है उर्दू का शब्द जो भगवान को नहीं मानता, मजहब को ना मानने वाला आदमी कहीं अच्छे और ऊंचे है जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के द्वारा बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और नामविश्वास लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वर नहीं रहेगा, दया करके मेरे शत्रुओं को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी। ईश्वर कहते हैं कि आदमी बनो पशु को छोड़ो, इसका क्या मतलब, इंसान बनो पशु को छोड़ो, इंसानों में पशु से सारा बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग करो, इंसान बनो जानवर में छोड़ो, इंसानों के पास ज्यादा बुद्धि हो, ज्यादा ताकत हो, ज्यादा उन्नति कर सकते, अच्छे आचरण को अपनाओ, शुद्ध आचरण को अपनाओ। वो कहते हैं कि दया करो, मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। ऐसा नहीं, ईश्वर कहते हैं ऐसा नहीं है कि अगर तुम कहोगे कि ईश्वर नहीं है तो इस वक्त ईश्वर नहीं, ऐसा नहीं हो, तुम मत मानो लेकिन तुम अच्छे इंसान बनो, पशु नहीं। कोई डाउट किसी को चाहिए, ऑनलाइन स्टूडेंट चली जाओ, अभिषेक, रुद्र, अर्पिता, जसप्रीत, हरमीत, एनी डाउट, किसी ने कुछ पूछना हो इस चैप्टर में से, किसी क्वेश्चन में डाउट हो इस चैप्टर पे, नो पूछ लो किस किस पे से क्वेश्चन किसी से भी। मैम हाँ जी, ये जो बैग से फाइल में ग्रामर है, ग्रामर है ही नहीं हमारे सिलेबस में, नहीं ग्रामर हमारे सिलेबस में है ही, कल आप क्लास में थे ही वहां पे नोट किया था मैंने, तो काटा स्क्रीनशॉट लिया था, इनकी इसी बात से पता चल रहा है कि इन्होंने नोट नहीं लिया क्योंकि कल मैंने ये सब कुछ फिक्स कर दिया बोर्ड पे लिखा, ग्रामर है ही नहीं हमारे सिलेबस में, नहीं किया हां मैं लेट हूं और आपको ग्रामर सीन आंसिंग पैसेजेस नहीं, पर कोई कह रहा था कि अगर सीन आंसिंग पैसेज हो तो उसमें से मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको सीन आंसिंग पैसेजेस नहीं देंगे, ठीक है, आपने चैप्टर फॉरो रीड करना,
क्वेश्चन कहीं से कुछ भी हो सकता है। पिछली बार आपने एग्जाम लिए थे, आपको पता है कि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स के हो गए और 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताए हुए कि आपने 2 मार्क्स के बाद 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये मत सोचिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बन सकते, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन लग रहा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता, ठीक है, उस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा ग्रामर बिल्कुल नहीं है, एमसीक्यू बिल्कुल नहीं है, संवाद, नारा, संदेश, अनुच्छेद, अनुच्छेद 6 नंबर का, पत्र 5 नंबर का और बाकी चीजें 2.5 नंबर की दो। मैंने कल ये भी कहा था कि अब आप संवाद देख लीजिए कि 2.5 मार्क्स में कैसे, पिछली बार 8 मार्क्स में आ गया। अब आपको लिखना आना चाहिए ना उसमें, पिछले डायलॉग में आप कैसे लिखते हैं, आप पूरा जो विषय है आपका उसको कैसे आप उसमें फाइंड आउट करते हैं। मंडे लास्ट टाइम एग्जाम में था संवाद, हमने डिस्कस किया था, यस, आफ्टर एग्जाम हमने डिस्कस किया था, हम और डिस्कस करेंगे और राइटिंग स्किल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज आपको मैं एक राइटिंग स्किल भेज दूंगी, संवाद भेज दूंगी, वो लिखिए, कल हम पहले वो डिस्कस करेंगे उसके बाद हम आगे, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, आगे शुरू कर लेते हैं। हाँ जी पूछिए। बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार है? बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार है, कौन सा है? बुद्धि पर मार हमने पढ़ा था, पाश्चात्य देशों में धन की मार और हमारे यहाँ बुद्धि की मार, इससे लेखक का अर्थ यह है। मैम की जो जो उनसे पश्चिम देश है, जो जो पश्चिम देश है वहां पर पैसे का पैसे पैसे से लोगों को खरीदा जाता है, पर यहां पर धर्म की आड़ में लोगों लोगों के मनों के साथ खेला जाता है। ओके, पर यहां बुद्धि की बात है, यहां मन की बात नहीं, यहां बुद्धि की बात, लोगों की बुद्धि धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है, जो मूर्ख लोग जो उनकी बातों में आते और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, जो लोग चलते पुरजे होते हैं और अपना अपना नेतृत्व कायम रखना चाहते हैं और अपना नेतृत्व कायम रखना चाहते हैं, वे मूर्ख लोगों को भड़काते हैं और उनके माध्यम से समाज में अराजकता फैलाते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं। और जो मूर्ख लोग हैं वे भी सोच विचार नहीं करते और उनके कहे अनुसार उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं और यहाँ तक कि जान लेने और देने को भी तैयार हो जाते हैं, यानी कि उनकी बुद्धि पर वार किया जाता है, ये बुद्धि की मार है कि उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाता है, उनके दिमाग में ऐसे विचार कर दिए जाते हैं कि वो धर्म के नाम पर लड़ने पटने मरने को भी तैयार हो जाते हैं और वे बिना सोचे समझे कहां जो कदम, और वे बिना समझे सोचे समझे कहां उन्हें गिरा जाए वहां झुक जाए, उनका असली मूल्य मतलब उन्हें धर्म का असली मतलब नहीं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको खींच सकते हैं, इन लोगों ने धर्म को मुताबिक ये बड़ा लेवल लैंग्वेज का और असली में आ रहा है ना, वो हम बड़ी अच्छी जाहिर की भाषा में लंबे मरकर भी रखी गई है प्रश्न में। और आज शांति भंग कर रहे हैं,
लड़ाई झगड़ा करवाते लड़ाई झगड़ा करवाते हैं उसकी पहले शब्द दिया अराजकता, अराजकता फैलाते हैं, अराजकता फैलती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, फर्क है लिखने में, ठीक है। एनी अदर डाउट, किसी को कोई डाउट किसी और क्वेश्चन में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, बिल्लू हम करते समृद्धि चैप्टर। हमने अभी तक डिस्कस कर लिए है दोनों कविताएं, एक फूल की चाह और खुशबू नचती है हाथ, उसके बाद हमने धर्म की आर्ट डिस्कस कर लिया, और तुम कब जाओगे देखिए वो भी हम कर चुके हैं, यानी कि स्पर्श बुक का हम सारी पढ़ाई कर, स्पर्श में जितने पार्ट थे हम कर चुके हैं, संचयन में से बिल्लू का हमने कर लिया है, कल उसका टेस्ट भी हुआ। अब मैं आप लोगों के साथ स्मृति पार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, किसी को याद है स्मृति में हमने क्या पढ़ा? मैं पहले दिए जल्दी मैं कह रहा हूँ पहले दिए क्योंकि मैं वो पूरा पढ़ा कर फिर उसको डिस्कस करना ठीक है। नेक्स्ट वीक हम वो करेंगे। हाँ जी मैम जो टेस्ट है वो जो हम ऑनलाइन आ रहे थे पूरा करेंगे। आई थिंक यू मूवी मीन जो आप मुझसे कल करोगे टेस्ट हुआ ना तो स्कूल में आप जो आपको चिट्ठियों वाला सांप वाला कुएं वाला और कुछ याद है धोती वाला क्या बड़ा भाई था छोटा भाई था और बड़ा मुझे शायद गलती लग गई कि छोटा बड़ा होता बड़ा इसलिए आप ये बता रहे हाँ जी नाम नहीं ले सकता नाम किसी का नाम उसने मक्खनपुर गांव का नाम है मक्खनपुर। हमने पढ़ा था कि लेखक को डर होता है किसका डर था अपने बड़े भाई का अपने बड़े भाई का क्यों डर था चैप्टर के शुरू में पढ़ा क्यों डर था किस बात का डर था कि उसको डांटना पड़ जाए डांटना पड़ जाए मारना पड़े किस बात से कि वो अपनी वो चिट्ठियां कुएं में गिर गई नहीं 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 वो बाद में हुआ था पहले उनको क्यों डर था कि बड़े भाई से डांट पड़े उनको किसी ने आकर कहा था कि आपको आपके बड़े भाई डरा रहे हैं वो जल्दी से भागते हैं भर जाते हैं रास्ते में क्या सोचने जा रहे थे कि शायद डांट पड़ेगी क्यों डांट पड़ेगी क्योंकि मेरा बेर तोड़ रहे थे यस मनिका मैम आई जस्ट वांटेड टू गिव द आंसर बेटा लेखक को इस बात का डर था कि वो जरबेरी के पेड़ से बेर निकाल कर खा रहे थे और उन्हें ये डर जब उनके भाई का बुलावा आया तो उन्हें ये डर लग गया कि शायद उन्हें पता लग गया है कि वे बेर निकाल कर खा रहे हैं और अब उनकी पिटाई होगी। बेर निकाल कर नहीं तोड़कर तोड़कर पेड़ से बेर तोड़े जाते हैं
निकाले नहीं जाते, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती है भाषा की, जितना हमें ध्यान रखना है। हमें आता सब कुछ है, मैं मेरे नंबर क्यों नहीं आया, है ना, ये दिक्कत हो जाती है। शब्दों का रेयर थे, उन्हें डर था कि जरबेरी के पेड़ से बेर तोड़कर खाने के कारण उन्हें डांट पड़े। जब लेखक घर पहुंचे तो उनके भाई क्या कर रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे, उनके बड़े भाई चिट्ठियां लिख रहे थे और उन्हें चिट्ठियां डाक खाने में डालने के लिए बुलाया गया। छोटे बच्चे कुछ ना, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।